अस्सलाम वालेकुम एंड ए वेरी वार्म वेलकम टू डॉक्टर नौशीबा सलमान एंड स्किन सॉल्यूशंस। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपनी सेहत का ख्याल रख रहे होंगे, अपनी स्किन और अपने बालों का ख्याल रख रहे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है स्टेम सेल थेरेपी। जैसे कि आपको नाम से अंदाज़ा हो रहा होगा, स्टेम सेल्स जो होते हैं वो रिजुविनेट करते हैं, अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं और अपने ही तरह के नए और बहुत सारे सेल्स बना सकते हैं। ये इनकी एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी होती है। तो आज हम जो जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो है हेयर फॉल। बहुत सारे लोगों का ये कॉमन इशू है, बहुत सारे लोगों को हेयर फॉल होता है, इवन यंगस्टर्स में बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है, कॉमन है, और उसके अलावा बड़ों में, मैच्योर लोगों में तो है ही। तो आज हम बात कर रहे हैं स्टेम सेल थेरेपी पे। क्या होता है कि जिस तरह से आप देखते हैं कि बने बनाए इंजेक्शंस होते हैं, जैसे फिलर्स होते हैं, जिसमें ऑलरेडी सिरिंज के अंदर मेडिसिन जो है वो फिल्ड होती है, प्री फिल्ड सिरिंज होती है, उसी तरह से स्टेम सेल्स जो हैं वो बने बनाई चीज़ जो है वो बना बनाया इंजेक्शन हमारे पास होता है, जिसको हमने प्रिपेयर करना होता है नॉर्मल सलाइन के साथ, और उसके बाद फिर उसको जो है वो हम फिलअप करके सर पे लगाते हैं, जिससे नए बाल निकलना शुरू हो जाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कि हम स्टेम सेल थेरेपी करते हैं स्कैल्प पे, और उससे जो है वो आपके बाल निकलना शुरू हो जाते हैं, नए बाल आना शुरू हो जाते हैं। यहाँ तक कि जिन लोगों को एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया होता है या मेल बाल्ड पैटर्न में उनके बाल गिर रहे होते हैं, उनमें भी स्टेम सेल थेरेपी का रिजल्ट जो है वो बहुत अच्छा है। कितनी दफ़ा लेना होता है? एटलीस्ट जो है वो 3-4 सेशंस इसके लेने होते हैं। दरमियान में गैप कितना देना होता है? तकरीबन 3-4 हफ्ते का गैप इसके दरमियान में देते हैं। तो इसे कोई भी करवा सकता है, पेनलेस प्रोसीजर होता है, लंच टाइम प्रोसीजर होता है, मेल फीमेल कोई भी इसको करवा सकता है। जिन लोगों को एक्टिव हेयर फॉल है वो भी इसको करवा सकते हैं, और जो लोग चाहते हैं कि उनके बाल जो हैं वो गिरे नहीं और हेल्दी हो जाएं, लेंथ वाइज या वैसे नंबर में वॉल्यूम में अच्छे हो जाएं, वो लोग भी इसको करवा सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आपको इससे रिलेटेड स्टेम सेल थेरेपी फॉर हेयर लॉस या फिर हेयर फॉल और या फिर फॉर थिकनिंग ऑफ हेयर, स्टेम सेल थेरेपी के बारे में आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन या डिटेल्स चाहिए हो तो आप हमारे गिवन नंबर्स पे भी कॉल कर सकते हैं और अब उसके बारे में डिटेल्स जो हैं वो ले सकते हैं। तो अपना बहुत ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपने बालों का ख्याल रखें, अपनी स्किन का ख्याल रखें, और हमारे साथ साथ रहें ताकि हम आपको नई नई इन्फॉर्मेशन दे सकें। अल्लाह हाफिज़।